घरवाली के पास गया। मैंने कहा 500 रुपया दे, चश्मा बनवाना है, दूर की नजर कमजोर हो गई। वो बोली फोकट में खर्चा मत करो, मुझसे खूबसूरत पूरे एरिया में कोई नहीं। मैंने कहा उस काम के लिए चश्मा नहीं बनवाना है, मैं रात को प्रोग्राम से आता हूँ, कहीं एक्सीडेंट हो जाए मुझे दूर का कुछ नहीं दिख रहा। मेरा कान पकड़ के टेरेस पे लेके गई, ऊपर उंगली दिखा के बोली वो क्या है? मैंने कहा चांद है। बोली और कितना दूर देखेगा? मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं अपने कपड़े खुद धोता था। एक दोस्त आता था तो डांटता था, तू कवि आदमी है, कुर्ता पायजामा खुद धोता अच्छा नहीं लगता, शादी कर ले। मैं उसकी बातों में आ गया, मैंने शादी कर ली। 6 महीने के बाद वो फिर आया, मैं कपड़ा धो रहा था। वो बोला शादी के बाद भी कुर्ता पायजामा खुद ही धो रहा है? मैंने कहा आंख खोल के देख, साड़ी ब्लाउज है। एक शेर की थी शादी, एक शेर की थी शादी, नाच रहे थे बाराती, नाचने वाला वहां पे हर कोई शेर था। खाने वाला शेर था, खिलाने वाला शेर था, और गाने वाला शेर था, बजाने वाला शेर था। इतने में देखा एक चूहा वहां नाच रहा, देख सभी चौंके ये कमीना कब शेर था। हाथ जोड़ चूहा बोला आज मैं हूँ शादीशुदा, शादी के पहले तो यारों मैं भी बब्बर शेर था। तो शादी के बाद सारे शेर चूहे बन जाते हैं। और मेरे साथ क्या हुआ आप सुनो, कि करवा चौथ का व्रत किया, मेरी पत्नी ने बोली व्रत करने को नारी सती चाहिए, और बड़ा भारी व्रत है ये सब कर सकते, नाई से करने के लिए शुद्ध मति चाहिए। नई चीजें इस दिन यूज करती हैं सभी, नई साड़ी नया हार नई जूती चाहिए। मैंने कहा बस करो इतना न कह देना, तुम भी पुराने हुए नया पति चाहिए। पत्नी से हुई लड़ाई, पिट गए महेश भाई, बोले अब मुझे जीना नहीं मर जाना है। फांसी का फंदा बनाए, जल्दी से स्टूल लाए, बोले अजी सुनती हो चला ये दीवाना है। पत्नी ने आके धर लिए दोनों चरण, तो बोले अब व्यर्थ तेरा मुझे समझाना है। पत्नी बोली तुम्हें समझाने की ना मुझे पड़ी, जल्दी से झूलो मुझे स्टूल लेके जाना।